अब हम बात करेंगे क्लॉक की, क्लॉक की बात करेंगे। क्लॉक क्या होगा, कोई सोच के बता सकता है ये क्लॉक है क्या? व्हाट इज क्लॉक? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिग्नल। सिग्नल को ही हम क्लॉक बोलते हैं। तो बेसिकली एक सिग्नल लेके हम सारा कुछ एक्सप्लेन करने की सोचेंगे। ये एक सिग्नल ले लेते हैं एंड इसी सिग्नल से हम सारा कुछ एक्सप्लेन करने की सोचेंगे। दिस इज माय लो पॉइंट एंड दिस हाई पॉइंट। ये मेरा लीडिंग एज है जहां से हमारा ऊपर जाना शुरू हुआ है सिग्नल, और दिस इज माय फॉलिंग एज। सिग्नल नीचे आना शुरू हुआ है यहां से, तो दिस इज माय फॉलिंग एज। इसके बाद एक वर्ड आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल, व्हाट इज दिस ड्यूटी साइकिल? इट इज द रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज हाई टू द टोटल टाइम। वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी अगर कोई पूछ ले रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज हाई टू द टोटल टाइम, टू द टोटल टाइम, ठीक है, वो टाइम जिसने टाइम में हमारा सिग्नल हाई हुआ है टू द टोटल टाइम। मान लो मेरा सिग्नल हाई 2 सेकंड के लिए एंड माय सिग्नल वर्क्स फॉर 10 सेकंड, दैट इज द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज हाई टू द टोटल टाइम। टोटल टाइम ये रहा एंड दिस इज माय टाइम टेकन, तो इनका रेशियो जो है दैट इज माय ड्यूटी साइकिल, दैट इज माय ड्यूटी साइकिल, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं जनरली। अच्छा हाँ, अगर मेरे को इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? लेट दिस बी अ टाइम पीरियड टी, तो फ्रिक्वेंसी इज 1/T, ठीक है। इसके बाद ट्रिगरिंग मेथड, इसके बाद कुछ मेथड है ट्रिगरिंग के, वो बताने जरूरी है। ट्रिगरिंग मेथड, मेथड तो जनरली हमारी बेसिकली दो तरह की ट्रिगरिंग होती है। एक होती है लेवल ट्रिगरिंग एंड अनदर इज एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। लेवल में दो तरह के लेवल हो सकते हैं, या तो लेवल होगा हमारा पॉजिटिव या लेवल होगा हमारा नेगेटिव। एज कितने हो सकते हैं, या पॉजिटिव एज होगा या तो हमारा नेगेटिव एज होगा। तो एज भी हमारे दो तरह के हो जाएंगे, दैट इज वन इज पॉजिटिव एज एंड अनदर इज नेगेटिव एज, नेगेटिव एज। तो इधर भी हम सिग्नल से समझाते, ये एक सिग्नल ले लेते हैं, यहां भी एक सिग्नल ही ले लेते हैं। पॉजिटिव लेवल, वो लेवल जब हमारा सिग्नल ऊपर है, दैट इज माय पॉजिटिव लेवल। नेगेटिव लेवल, वो लेवल जब हमारा सिग्नल नीचे है, ये नीचे वाला सिग्नल, दिस इज माय नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ऐसी पॉजिटिव एज, वो लेवल जहां से हमारा सिग्नल ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है, ये लेवल ऊपर चढ़ रहा है सिग्नल, दिस इज माय पॉजिटिव एज सिग्नल। एंड वो लेवल जहां से सिग्नल नीचे गिर रहा है, दिस इज माय नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? अब कई लोग बोलते हैं कि भाई लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है? तो लैच वर्सेस फ्लिप फ्लॉप, सिर्फ ये याद रखना, लैच इज लेवल सेंसिटिव, लैच इज लेवल सेंसिटिव। लैच जो होता है हमारा, वो एक लेवल सेंसिटिव होता है। लेवल, वेदर इट इज अ पॉजिटिव लेवल, वेदर इट इज अ नेगेटिव लेवल, उसके बेस पे वर्क करता है। और वाइल फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज, फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, व्हेन क्लॉक इज लो टू हाई या हाई टू लो, इट इज अ एज सेंसिटिव।
एज ए सेंसिटिव है, वर्क्स व्हेन क्लॉक इज लो टू हाई और हाई टू लो. व्हेन क्लॉक इज लो टू हाई और हाई टू लो मीन्स इट इज एज सेंसिटिव. एज सेंसिटिव है, दिस इज माय एज सेंसिटिव. अब इसके बाद हमारी मेन फ्लिप फ्लॉप शुरू होती है. जनरली हम तीन चार तरह के फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, एस आर डी जे डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप. इन तीन चार तरह के फ्लिप फ्लॉप की हम बात करेंगे, वो मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में होगी.